हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इमली की बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार अचार जो सालों भर ख़राब नहीं होगी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बनाकर साल 2 साल तक रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम इमली ली है। यहाँ पर मैंने बीज वाली इमली ली है, आप चाहे तो बिना बीज वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने हाथों में तेल लगा लिया है ताकि इमली से रेशे को आसानी से निकाला जा सके। तेल लगाने से हाथों में चिपकेगा नहीं, इस तरह हम सारी इमली से रेशे निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी इमली में से रेशे निकाल लिए हैं। तो अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन गरम होने के लिए रखा है। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच मेथी के दाने डालेंगे और साथ में ही 2 बड़े चम्मच अजवाइन के डालेंगे और साथ में ही 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ के लिए हैं और साथ में ही 2 बड़े चम्मच पीली सरसों के लिए है मैंने। पीली सरसों की जगह आप राई भी ले सकते हैं। अब जो ये हमने खड़े मसाले लिए हैं, इसे हमें धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। आप इसे बिना भुने भी 2-3 घंटे धूप में सुखाकर इसका ददरा पाउडर बना सकते हैं। तो देखिए, मसाले भून चुके हैं और इसमें से खुशबू आने लगी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसी पैन में मैंने 50 ग्राम लाल मिर्च ली है। इन्हें भी हमें हल्का भून लेना है। आप चाहे तो इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, ये हल्की रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और फिर उसी पैन में मैंने 15-16 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इन्हें भी डालकर हमें रोस्ट कर लेना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप खाते हैं तो इसे ज़रूर डालें, इसे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखिए, लहसुन भून चुका है तो हम इसे भी निकाल लेते हैं और फिर इन मसालों को ठंडा होने देते हैं। अचार का मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम सबसे पहले लाल मिर्च को ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। देखिए, इस तरह हमें दरदरा कूट लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी जो मसाले हमने ठंडे किए हैं अब उनको भी हम डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें दरदरा ही रखना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। यहाँ पर हमने इमली के ऊपर ये जो लाल मिर्च का पाउडर था इसको डाल देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर जो दरदरा हमने मसाला पीसा है उसको भी डालेंगे और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कलौंजी का और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर का और साथ में ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काला नमक का। और फिर हमने जो लहसुन को भुना था उसे हम इस तरह दरदरा कूट लेंगे और फिर इसे भी हम इसमें डाल देंगे और साथ में डालेंगे यहाँ पर 2 बड़े चम्मच साधारण नमक, और ये आप अपनी स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर लेंगे एक चुटकी हींग। अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सबसे आखिरी में डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ पर मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है, लगभग 100-150 ml के करीब। इमली का अचार जो है ना वो बहुत ही कम तेल में तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर हम आधा तेल डालेंगे और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। आप तेल को गर्म करके ठंडा होने के बाद इसमें डालें। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इमली के ऊपर मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। देखिए, मसाले अच्छे से इमली के ऊपर मिक्स हो चुके हैं। इस तरह ये इमली का अचार पूरी तरह से रेडी है। पर आप इसे 2-4 दिन की धूप दिखा देंगे तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तैयार अचार में को आप किसी भी कांच की बर्नी में डालकर रख दीजिए और जो तेल हमने बचा कर लिया था उसे हम ऊपर से डाल देंगे। आप जब भी अचार को धूप दिखा रहे हैं
तो अचार को अच्छे से हिला ले ताकि जो तेल है वो इमली के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। इमली का चटपटा अचार बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और आप इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है।